देखिए कितना सा अच्छा सा बना है, मैंने डाले हुए गुड़ सब कितना अच्छा सा मेल्ट हो गया। देखिए कितना स्मूथ बना है। हाय फ्रेंड्स, आज मैं इस अड़दी पत्ता का रेसिपी बनाने वाली हूँ। हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, वो भी ब्राउन राइस अच्छे से पीस के ये रेसिपी बनाने वाली हूँ मैं। बहुत ही हेल्थी है ये, बहुत ही अच्छा सा स्मेल भी आता है इसमें से। आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ही अच्छा लगेगा। अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। के ये अड़दी का जाड़ है, इसका पत्ता चाहिए मेरे को। इसका पत्ता मैं आज रेसिपी बनाने वाली हूँ। देखिए अड़दी जाड़ का पत्ता का रेसिपी बनाने के लिए ब्राउन राइस लिया है। देखिए व्हाइट राइस लिया तो भी चलता है, ये ब्राउन राइस पानी में मैंने अच्छे से भिगा के रखा था 6 घंटे। ये स्मूथ होने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है, इसको 4 से 5 घंटे तो कम से कम चाहिए भिगाने के लिए। मैंने 3 बार पानी से अच्छे से धो के इसको भिगा के रखा था। देखिए अभी अच्छे से भिग गया है, नाखून से कट किया तो इजी से कट हो जाता है। देखिए तो अभी मैं इसको थोड़ा गाढ़ा करके थोड़ा सा पानी डाल के पीसूँगा। अतर में मैं चावल पीसने वाली हूँ ब्राउन राइस। इसको मैंने इस पत्थर को अच्छे से पानी पे धो के लिया है। अभी मैं ये चावल इसमें डालूँगा। चावल डालने के बाद थोड़ा सा नमक डालूंगा मैं, थोड़ा सा पानी डालूंगा, गाढ़ा करके पीसना है। देखिए मैंने इतना गाढ़ा करके पीसा है और देखिए नाइस करके पीसा है, नाइस हो गया है ये और गाढ़ा भी हो गया है। देखिए ये चिपकना चाहिए ना पत्ते के ऊपर, पतला किया तो नहीं चिपकेगा, इसीलिए थोड़ा गाढ़ा करना चाहिए। अभी मैं इसको निकालूँगा, निकाल के दूसरे बर्तन में डालूँगा। देखिए मैंने ये पत्तों को पानी में अच्छे से धोकर लाया हूँ। इस पत्ते में धूल मिट्टी सब रहता है, थोड़ा सा पानी डाल के धोना चाहिए। तो अभी मैं 1 कप नारियल और 1 कप गुड़ लिया है, ये अच्छे से मैंने छोटा छोटा टुकड़ा किया है और ये दोनों में साथ में मिक्स करूँगा। अच्छे से मिक्स किया, अभी मैं ये हल्दी जाड़ का पत्ता है ना, इसमें मैंने चावल पीसा था ना, ये लगाऊंगा मैं। देखिए 1 मुट्ठी जितना लिया है मैंने पीसे हुए चावल, और ये पतला सा लगाने का, ज़्यादा मोटा सा नहीं लगाने का, मोटा करके। Thank you.
ठीक है, आपका पत्ता को मैंने लगाया। फिर मैं ये गुड़ और नारियल मिक्स किया था ना, ये भी इसका ऊपर मैं ऐसा डालूँगा। और ये पत्ता को फोल्ड करूँगा, देखिए ऐसा, और साइड पे थोड़ा सा ऐसा दबाऊँगा, नहीं तो गुड़ और नारियल बाहर आ जाएगा। ठीक है, और ये दूसरे एक प्लेट में मैं रखूँगा। देखिए इतना पतला सा लगाने का, हल्दी जाड़ ये पत्ते को मैंने अच्छे से लगाया है, देखिए ऐसा लगाने का, देखिए पतला सा लगाने का। अभी मैं इसको अच्छे से पकाऊंगा स्टीम के बर्तन में। मैंने ये इडली स्टीम सब करने वाला ये बर्तन है, इसको मैंने 10 मिनट से पहले चूल्हे पे रखा था पानी डाल के। देखिए पानी भी अच्छे से गर्म हो गया है, देखिए धुआँ सब आ रहा है ना, पानी अच्छे से गर्म होना चाहिए। देखिए इसके ऊपर मैंने ये प्लेट रखा है। अभी मैं ये इसका अंदर में स्लोली रखूँगा। अभी मैं फिर से ढक्कन ढक के रखूँगा, कम से कम ये पकने के लिए 30 मिनट चाहिए, तो आग चूल्हे पे आग भी अच्छे से होना चाहिए। 30 मिनट ऐसे ही अच्छे से पकने दें। 30 मिनट तो हो गया मैंने पकाने के लिए रख के, अभी देखेंगे क्या हो गया करके। देखिए इसका ऊपर का पत्ता का कलर भी चेंज हो गया है, और ये पकाते हैं ना, और ये रेसिपी पकाने के टाइम में बहुत ही अच्छा सा स्मेल आता है, हल्दी कैसा होता है ना वही स्मेल आता है। देखिए ये अच्छे से पका है, मैंने 30 मिनट तो हो गया पकने के रख के। अभी मैं इसको निकाल के एक प्लेट दूसरा एक प्लेट में रखूँगा। गरम है, देखिए हल्दी पत्ता का रेसिपी तो रेडी हो गया, बहुत ही प्यारा सा बना है ये, बहुत अच्छा सा स्मेल आ रहा है। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आप लोगों को ज़रूर ही पसंद आएगा। ये ब्राउन राइस में कर सकता है, या इडली सब बनाते हैं ना हम लोग, ये राइस में भी बना सकते हैं।
देखिए कितना स्मूथ होके कितना अच्छा सा बना है, सब गुड़ सब मैंने डाला था ना, वो कितना अच्छा सा मेल्ट हो गया है। देखिए कितना अच्छा सा दिख रहा है ना, बहुत ही हेल्थी और बहुत ही पुराना रेसिपी है ये।